Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 8, exercise 8.2, class 8 mathematics. Okay, this is question first. The question is, the salary of a blank bank clerk was increased by 7%. If his present salary is 8025 rupees, what was it before increment? अब question क्या है? Question ये है कि एक bank clerk है, उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है 7% से. ठीक है, 7% से. मैंने आपको पहले बताया था ओरिजिनल वैल्यू और जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, उसको डिफर करके ही सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को. ठीक है, तो परसेंटेज में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 7% का, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है अभी की, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सैलरी की, 8025 रुपीज है. आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ होता तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी. क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब देखो, प्रेजेंट सैलरी ऑफ अ बैंक क्लर्क इज इक्वल टू कितना है, 8025 रुपीस. ठीक है, अब देन इंक्रीज परसेंटेज कितना है, 7%. तो एक बात बताओ, ये जो इंक्रीज परसेंटेज है, ठीक, जब परसेंटेज को इक्वल करेंगे, मैंने 8.1 में आपको बताया है. ठीक है, तो जब परसेंटेज को इक्वल करेंगे तो ये 7% प्लस होके आएगा कि नहीं. ठीक है, सपोज जो पहले सैलरी थी वो थी 100%. ठीक है, ये मैंने बताया था टोटल को 100% लेते हैं. ठीक, और जो अभी सैलरी है उसमें 7% इंक्रीज है ना, मतलब कितना हो गया, 107%. समझ में आया? और यही किसके इक्वल है, 8025 के. ठीक है, समझ में आया? फाइंड ये करना है कि आपकी पहले सैलरी कितनी थी, और आपको ये गिवन है कि 7% इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी कितनी है. ये गिवन है 8025. ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, 100%. तो पहले 1% की वैल्यू आपने फाइंड की, कितना आया, 8025 अपॉन 107, एंड देन 100% की वैल्यू आपने फाइंड की, तो वो कितना आएगा, 8025 अपॉन 107 इंटू 100. ये आपने रफ में लिखना है. ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये मैंने ये लिखी हुई है 100% की वैल्यू. ठीक है, सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 8025 अपॉन 107 इंटू 100. जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 7500 या फिर 7500 रुपीस. यही क्या है, आपका आंसर है. ये तो हो गया एक मेथड, और मेथड्स मैं बताने वाली हूँ आगे क्वेश्चंस में. ठीक है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड भी होंगे, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट. दिस इज क्वेश्चन नंबर टू. द क्वेश्चन नंबर टू इज, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 5% इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹40,000, what will be its value after a year? अब क्वेश्चन ये है कि जो मशीन की वैल्यू है वो कम होती जा रही है 5% से हर साल. ठीक है, अगर मशीन की प्रेजेंट वैल्यू 40,000 रुपीज है तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, तो देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन 40,000, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एवरी ईयर बाय 5%. ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5% ऑफ 40,000. ठीक है, मतलब कमी कितने की होगी, 5% की होगी ना 40,000 में. तो 5% मैंने सबसे पहले फाइंड आउट किया, कितना आएगा, 5 upon 100, परसेंटेज का मीनिंग अपॉन 100 ऑफ इनटू 40,000. ठीक है, यहां से आपने सॉल्व किया, कितना आएगा, 2000 रुपीस. ठीक है, अब देखो, द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर द ईयर कितना हो जाएगा, यानी कि 40,000 पहले थी वैल्यू और एक साल के बाद उसमें 5% की कमी आ गई, मतलब कितने की कमी आ गई, 2000 की कमी आ गई. तो अभी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब आफ्टर अ ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 माइनस 2000, ठीक है, 38,000. क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेथड सेम है, बस यहाँ जो आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे 10% ऑफ 60,000, वो लास्ट में ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ मैंने माइनस किया है, थर्ड में प्लस हो जाएगा. ठीक, अब देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द
the value of a machine depreciates 10% every year if its present value is 38,700. Find its value a year ago. ठीक है, अब ये क्वेश्चन फोर्थ भी आप करोगे, मतलब क्या है इसका, इसमें ये है, देखो क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, क्वेश्चन फोर्थ में आपको एक साल पहले की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि जैसे कि हर एक साल 10% की कमी हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 38,700, तो अगर ये डेप्रिसिएशन नहीं हुआ होता तो मशीन की वैल्यू कितनी होती, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन किसके जैसा है, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, समझ में आया। अब देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ गिफ्ट पैक वाज परचेस्ड फॉर ₹1600 एंड सोल्ड फॉर ₹1400, फाइंड द लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है आपका, क्वेश्चन फिफ्थ में ये है कि एक गिफ्ट पैक जो है वो परचेस किया जाता है 1600 रुपीस में, 1600 रुपीस में, और सोल्ड किया जाता है 1400 रुपीस में, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है लॉस परसेंटेज, ठीक। अब देखो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है सीपी एसपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सोल्ड कितने में हो रहा है, 1400 में, तो एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1400, और परचेस कितने में हो रहा है, 1600 रुपीस में, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1600 रुपीस, ठीक है। अब देन, अब एक बात बताओ, कोई भी चीज, अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, कोई भी चीज अगर ज्यादा में खरीदी गई है और कम में बेची गई है, ठीक है, तो क्या होगा, लॉस होगा, सिंपल, इसीलिए उसमें लॉस परसेंटेज पूछा है आपसे। तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसको लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये फॉर्मूला तो छोड़ दो कि ये ऐसा है, अगर उसने 1600 में खरीदा और उसने 1400 में बेच दिया, तो सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका लॉस कितना हुआ, उसे घाटा कितने का हुआ, तो आप सिंपल बोलोगे मैम 200 का हुआ। लॉस कितने का हुआ, 200 का हुआ। कैसे फाइंड आउट किया, वही फॉर्मूला से आप फाइंड आउट करते हो, कैसे, सीपी माइनस एसपी, 1600 माइनस 1400, 200 लॉस हो गया, ठीक है उसे। अब देखो ये लॉस, लॉस परसेंटेज नहीं है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ये मैंने आपको बताया था लिखने के लिए, बोला था ये मैंने आपको कॉपी में लिखने के लिए, पेज आप देखोगे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास आप देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला आपके कॉपी में मिलेगा, नोट्स में आपके, ठीक है। देखो लॉस कितना है, 200 का है, सीपी कितना है, 1600 है, इनटू 100, ये लॉस परसेंटेज यहाँ से फाइंड आउट होगा, ठीक है, कितना आएगा, 12.5% और 12 वन अपॉन 2%, ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज अ ग्रोसर बायस X at 10 for rupees 8 and sells at 8 for rupees 10. Find his gain or loss percentage. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये है कि एक ग्रॉसर है जिसने 10x कितने में परचेस किए, 8 रुपीज में, मतलब 10 अंडे 8 रुपए में परचेस किए, और वो बेच कितने में रहा है, सेल कितने में कर रहा है, वो कर रहा है 8x को 10 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो ग्रोसर है उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो एक बात ऑलवेज याद रखना, अगर क्वांटिटी डिफरेंट हो तो कभी भी आप प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालोगे, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा अलग आएगा और गलत आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आप बोलोगे मैम कैसे, नहीं आ रहा समझ में, यहाँ देखो, यहाँ कॉस्ट प्राइस 10x का है और यहाँ सेलिंग प्राइस 8x का है, मतलब क्या है, इसको आपको इक्वल बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। इक्वल भी बना सकते हैं, इसका एक और मेथड है, वो भी मैं बता दूंगी, 1x का लेके, लेकिन यहाँ भी अगर आपने 1x की वैल्यू ली तो यहाँ भी 1 रहेगा और यहाँ भी 1 रहेगा, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी है, ये सेम होनी चाहिए। वैल्यू की बात मैं नहीं कर रही हूँ, रुपीस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं वैल्यू की बात कर रही, मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब ध्यान से देखना,
अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया, इसको इक्वल बनाया। अब आप कैसे बना सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे बना सकते हो। यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, 10 एंड 8 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 8 कितना होता है, 40। ठीक है, 40 होता है। ठीक है, अब देखो 40 होता है तो मैंने इसे 40 बनाया सबसे पहले, तो 10 को 40 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैंने राइट लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 40x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 4 मतलब 32 रुपीज। ये समझ में आया, ये कैसे आ गया। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 8x कितना है, ₹10। ठीक है, अब इसको भी 40 बनाना है, तो 8 को 40 कैसे बनाया होगा, मैंने 8 इंटू 5 कर दिया, तो अगर 5 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी होगा, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। अब यहाँ देखना, आप ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस भी 40x की है और सेलिंग प्राइस भी आपकी 40x की है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट या लॉस आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियरली SP मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 50 रुपीज, इज ग्रेटर देन CP, कॉस्ट प्राइस कितना है, 32 रुपीज, 50 इज ग्रेटर देन 32, राइट। अब देन प्रॉफिट और गेन कितना हो जाएगा, 50 माइनस 32 मतलब SP माइनस CP, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक, ये किया आपने तो कितना आया, 18 रुपीज। ठीक है, अब प्रॉफिट और गेन परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस अपॉन में नहीं आ सकता। ठीक, अब देखो 18 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 32, ये नहीं लोगे आप, अब ये लोगे इक्वल वैल्यू। ठीक है, कितना आया, 32 इंटू 100 कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 56 1/4%, यही क्या है आपका आंसर, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया। अब देन क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग अ सीलिंग फैन फॉर ₹330 अ शॉपकीपर गेन्स 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीलिंग फैन। ये सेकंड मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की, इससे भी आप कर सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, मैंने इक्वल क्वांटिटी की है लेकिन यहाँ पे मैंने 1x की वैल्यू निकाली है। ठीक है, वहां मैंने 40x की निकाली थी, यहाँ मैंने 1x की वैल्यू निकाली है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा रुपीज। ठीक है, 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/10 रुपीज। अब इसको सॉल्व किया कितना आ गया, 0.8 रुपीज। ठीक है, अब SP मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 8x कितना है, 10 रुपीज, SP ऑफ 1x कितना आ जाएगा, 10/8 रुपीज। ठीक है, 8/10 में आ जाएगा, 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 1.25 रुपीज, सॉल्व करोगे इसको तो। ठीक है, 10/8 को तो, अब SP इज ग्रेटर देन CP, यहाँ देखो यहाँ भी वैल्यू सेम है, 1x 1x। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, SP इज ग्रेटर देन CP, सो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, माइनस किया 0.45 रुपीज आया, गेन परसेंटेज कितना आ जाएगा, 0.45/0.8 × 100। आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आफ्टर 2 डेसिमल है, ठीक है, आफ्टर 2 places है डेसिमल, ठीक है, तो अपॉन में 2 zeros आएंगे, और अपॉन में कितना है, डिनोमिनेटर में 0.8 है, मतलब कि आफ्टर 1 place है, तो न्यूमिनेटर में कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व किया तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, एंड देन 450/8 को सॉल्व करेंगे, 56 1/4% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस मेथड से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई जो आपको इजी लगे। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, SP ऑफ सीलिंग फैन कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ सीलिंग फैन कितना है, 330 रुपीज, गेन परसेंटेज है 10%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीलिंग फैन आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, 100/100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस, तो 100/100 प्लस 10 इंटू 330, 100/110 इंटू 330 सॉल्व करोगे तो 300 रुपीज आंसर आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8,
This is question number 8. The question number 8 is, the shopkeeper offers a 10% discount on a crockery set with marked price as ₹3,700. Find the cost which any customer has to pay to buy this crockery set. अब question ये है कि एक shopkeeper है जो 10% का discount देता है marked price पर, और marked price कितना है? 3,700. तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर किसी कस्टमर को इस क्रॉकरी सेट को खरीदना है तो वो कितना रुपीस पे करेगा शॉपकीपर को. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो देखो, जितना डिस्काउंट होगा वो माइनस हो जाएगा सिंपली. ठीक है, तो वही किया है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10%, मार्क प्राइस कितना है 3,700. ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 10% ऑफ 3,700. मैंने बताया था डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मार्क प्राइस. तो 10% ऑफ 3,700, ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट करो 10/100 इंटू 3,700. अब डिस्काउंट कितना मिला उसे 370 का. ठीक है, मतलब इसमें से इतने पैसे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे. तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा. ठीक है, कॉस्ट विच एनी कस्टमर हैज टू पे टू बाय दिस क्रॉकरी सेट इज इक्वल टू 3,700 माइनस 370 इज इक्वल टू 3,330 रुपीज. ठीक है, ये सिंपली वैसे ही है जैसा आप मार्केट में जाते हो और कोई भी आपको शॉपकीपर डिस्काउंट देता है. ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन है. ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप करोगे. क्यों करोगे? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज होना है. ठीक है, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज का. इस वजह से ये आप देखो पेज नंबर 119 पे आपका गिवन है डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो उस पर बेस्ड है. तो वो आप करोगे. एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, अ सोफा सेट इज सोल्ड एट ₹9,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10%. फाइंड इट्स मार्क प्राइस. अब आपको क्या करना है, इसमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है. आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. ओके, अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट कितना है 9,000 रुपीज. ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 10%. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस. तो लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज. ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट डिस्काउंट आपको गिवन नहीं है, आपको परसेंटेज गिवन है, इसलिए डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है, अब यहाँ देखो 10 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस कितना है एक्स इंटू 100. ठीक है, अब यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ जाएगा, अपॉन में एक्स है तो ये इंटू में आ गया 10x हो गया, और इंटू में 100 है तो ये अपॉन में आ गया 100. ठीक है, इज इक्वल टू डिस्काउंट. यहाँ से डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट आएगा आपका 10x अपॉन 100. ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो तो 0 से 0 कैंसिल आ गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन 10. ठीक है, कितनी आ गई, x अपॉन 10. ठीक, अब यहाँ देखो डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्या होता है फॉर्मूला, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो डिस्काउंट कितना है x अपॉन 10. ठीक है, मार्क प्राइस कितना है x, और सेलिंग प्राइस कितना है 9,000. ठीक, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9,000 को लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस हो गया प्लस 9,000, एंड x अपॉन 10 को राइट हैंड साइड में लेके गए तो क्या हो गया, माइनस x अपॉन 10. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपको. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9x अपॉन 10. ठीक है, अब 9x अपॉन 10 आ गया, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 हो जाएगा इंटू में और 9 हो जाएगा अपॉन में. ठीक है, समझ गए, कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो. ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करो, ज़्यादा ईजी होगा. ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट की, कितनी आ गई 10,000, और यही क्या है आपका, मार्क प्राइस है, मतलब मार्क प्राइस कितना है इसका 10,000 रुपीज. ठीक है, समझ गए. अब देन क्वेश्चन नंबर 11. द क्वेश्चन नंबर 11 इज, रमेश सोल्ड टू आर्टिकल्स एट ₹375 ईच. ऑन वन ही गेन्स 25% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 25%. फाइंड
his gain percentage और loss percentage in the whole transaction. अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक रमेश है, ठीक, उसने टू आर्टिकल सोल्ड किए, कितने में, 375 रुपीज ईच में. ईच मतलब एक आर्टिकल का जो एसपी है सेलिंग प्राइस कितना है, 375 रुपीज. ठीक है, गेन परसेंटेज 25%, क्यों, ये फर्स्ट आर्टिकल मैंने लिया है. ठीक है, ठीक. अब देखो सीपी कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इनटू एसपी. सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस. ठीक है, इसकी वैल्यू आपने सीपी की वैल्यू फाइंड आउट की, कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस 25 इनटू सेलिंग प्राइस कितना है, 375. ठीक है, अब 100 अपॉन 125 इंटू 375, सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 300. ठीक, कितनी आ गई सीपी की वैल्यू, 300. अब देखो एसपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल कितना है, 375 रुपीज. फिर से लॉस परसेंटेज कितना है इसमें, 25%. ठीक है, ये सेकेंड आर्टिकल की बात हो रही है. ठीक, सीपी यहां से फिर से आपने फाइंड आउट किया, कैसे आएगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज. क्यों, लॉस होता है तो माइनस आता है और गेन होता है तो प्लस आता है. ठीक है, इनटू एसपी, यहां से आपने फाइंड आउट की सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 500. ठीक है, सॉल्व कर लोगे ये कैलकुलेशन, 100 माइनस 25 75 इनटू 375 हो जाएगा. और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा. ठीक है, 100 इंटू 5 कितना आ गया, 500 रुपीज. ठीक है, ये सेकेंड आर्टिकल का सीपी है और ये फर्स्ट आर्टिकल का सीपी है. तो मैंने अगर पूछा आपसे ओवरऑल सीपी कितना है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है टू आर्टिकल्स का, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम इसको ऐड कर देंगे सिंपल. ठीक है, तो मतलब 500 प्लस 300 कितना हो गया, 800. देखो सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स इज इक्वल टू, मैंने ऐड किया है, कितना आ गया, 800 रुपीज. और एसपी कितना हो जाएगा, या तो आप 375 को 2 टाइम्स ऐड कर दो या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, कितना आ गया, 750. ठीक है, अब यहां देखो क्लियरली आपको दिख रहा होगा मैंने ये सब क्यों किया है, क्योंकि वहां ओवरऑल लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा, तो ये आपको पहले पता करना है कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है. तो यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, 800 इज ग्रेटर देन 750, तो क्या होगा, लॉस होगा. लॉस हो रहा है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, 800 माइनस 750. ठीक है, लॉस कितना आ गया आपका, 50 रुपीज का. ठीक है, अब लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. लॉस कितना है, 50, कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 इनटू 100. इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 25 अपॉन 4 लॉस परसेंटेज. ठीक है, इसको आप और कैसे मेंशन कर सकते हो, 6 1 अपॉन 4 परसेंटेज या फिर 6.25 परसेंटेज, दोनों ही सही है. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. और आप में से मंथन ने और संस्कृति ने मुझे अभी तक असाइनमेंट सेंड किया है, बस दिवाली असाइनमेंट. मैं आपको 0 मार्किंग करूंगी असेसमेंट मार्क्स में अगर आपने मुझे दिवाली होमवर्क सेंड नहीं किया, वो जो एक्टिविटी मैंने आपको दी थी वो. ठीक है, तो वो आप मुझे जितना जल्दी हो सके, मैंने 18 लास्ट डेट बोला था, लेकिन 18 की जगह आप 2 दिन और ले लीजिए, 20 आपका लास्ट डेट है, 20 तक आप मुझे सेंड करो, मतलब कल तक आप मुझे वो होमवर्क सेंड करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू.